चावल की खिचड़ी तो आपने कई बार सुनी होगी, खाई होगी, लेकिन आज हम बना रहे हैं गेहूँ की खिचड़ी। किचन बाय विनी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन गेहूँ को पहले पानी में डालकर गीला करा जाता है और फिर इनके छिलके उतारे जाते हैं कूट कर, और दिखने में ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। अब हम खिचड़ी बनाने के लिए पहले गेहूँ को 2-3 पानी से धो लेंगे और उसको 7-8 घंटे के लिए सोक करने रख देंगे। सोक करने के बाद गेहूँ कुछ इस तरह से वाइट वाइट दिखने लगते हैं, और जो सोक करा हुआ फर्स्ट टाइम का पानी रहता है उसको हम निकाल लेंगे, और जो गेहूँ की क्वांटिटी फूलने के बाद हुई है उससे दुगनी मात्रा में हम इसमें पानी डालेंगे। और कुकर में इसको डालकर 1/4 स्पून हल्दी, 1 चम्मच करीब नमक और 2-3 बूंद तेल डालकर इसको कुकर में रख देंगे। और कुकर में जो पहली सीटी आएगी वो तेज आंच पर ले लेंगे, बाकी फिर दूसरी सीटी हम धीमी आंच पर ही लेंगे, और ऐसे हम करीब 3 या 4 सीटी ले लेंगे। क्योंकि गेहूं को पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए हमें 3-4 सीटी लेना पड़ेगी, और गेहूं कुछ पकने के बाद इस तरह से हो जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच घी, बटर या तेल जो आपकी मर्जी है वो डाल लेंगे। और हमने यहाँ कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी है, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न, टमाटर, हरी मिर्ची, मीठी नीम। अब हम घी में राई जीरे का तड़का देंगे और साथ में डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और मीठी नीम, और इनको भी अच्छे से भुन जाने देंगे। जब ये भुन जाएंगी तो जो कटी हुई सब्जियां हमने रखी हैं उनको हम डाल देंगे इसमें, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, इनको हल्का ही सोते करेंगे। चाहें तो अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो वेजिटेबल्स मैं बता रही हूँ आप सिर्फ वही डालें। और यहाँ जब सब्जी हल्की क्रंच हो जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर कट करके, और साथ में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हम गेहूं में पहले से डाल चुके हैं तो यहाँ हम सब्जी के अनुसार नमक बस डालेंगे, और जो गेहूं हमने बॉइल्ड कर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। आपको ऐसा लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप इसको कोई स्ट्रेनर में निकाल के इसका पानी कम कर सकते हैं। वैसे पानी की मात्रा अगर थोड़ी ज़्यादा हो भी जाएगी तो भी अच्छी लगेगी। और यदि आपके पास गेहूँ नहीं है और आप इसको बनाना चाहते हैं तो जो दलिया आता है, टूटा हुआ जो गेहूँ रहता है जिसको हम दलिया कहते हैं, उसको आप सेकिए मत, सीधे उसको पानी में गलाइए 2-4 घंटे के लिए, और फिर उसको कुकर में ऐसे ही बॉइल्ड करके इस तरह से इसी प्रोसीजर से आप इसे बनाइए, तो आपका वो दलिया वाली जो आप खिचड़ी बनाएंगे उसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी।